खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर सेवन सी, खबर जो सच है। बहराइच जिले में फर्जी वोटर कार्ड बनाने वाले अध्यक्ष को रामगांव पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि एक साथी अपराधियों ने गांव वालों को बेवकूफ बनाकर पैसे लूट रहे थे, जिसके खुलासे के लिए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर के निर्देश पर चला अपराधियों पर डंडा। अपर पुलिस अधीक्षक रविन्द्र प्रताप सिंह के निर्देश पर थाना अध्यक्ष रामगांव जितेंद्र कुमार सिंह के द्वारा गठित पुलिस टीम में वांछित अभियुक्त नयाब अहमद पुत्र छब्बर अंसारी उर्फ नयाब सिद्दीकी पुत्र मोहम्मद मुस्लिम उर्फ अवनीश सिंह पुत्र गोविंद सिंह निवासी 121 श्याम पाटिल चाल हनुमान नगर अम्बाली पाटिल चाल मुहाने थाने महाराष्ट्र में ग्राम जोलाहान पूर्वा नहरर घोड़ा थाना रामगांव थाना इलाके में क्या है पूरी डिटेल्स की। थाना रामगांव के नहरन घोड़ा गांव से सूचनाएं प्राप्त हुई थी कि एक बाहर का व्यक्ति जो पिछले 1.5-2 महीने से इस गांव में रह रहा है और धार्मिक गतिविधियों में लिप्त है। इस सूचना से संबंध में जब जानकारी की गई तो पता चला कि एक नायाब अहमद नाम का व्यक्ति जो कि यहाँ का मूल निवासी नहीं है, पिछले 1.5 महीने से यहाँ पर रहकर अपना इलाज करा रहा है और उसके द्वारा एक मदरसा चलाने के लिए एक सोसाइटी भी रजिस्टर करवाई गई है। इसके बारे में जब और जानकारी पूर्णतः पता की गई तो ये बात सामने आई कि इसके पास कूट रचित दस्तावेज मौजूद हैं, जिसमें एक आधार कार्ड जो कि एक हिंदू नाम से है, 2 इसके पास मार्कशीट हैं इंटर की जो एक बांदा से और एक जनपद बहराइच से बनाई हुई है। इसी के आधार पर इसके द्वारा वोटर कार्ड के लिए अप्लाई किया गया था। वह जो सोसाइटी इसके द्वारा रजिस्टर कराई गई है फैजाबाद में, वो भी इन कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर पंजीकृत कराई गई थी। गहनता से इन्वेस्टिगेशन करने पर ये बात सामने आई है कि इसका असली नाम राजू मौर्या है और ये जनपद बाराबंकी का रहने वाला है। 2016 में इसके ऊपर बलात्कार पॉक्सो एक्ट व आईटी एक्ट का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें ये जेल गया था। इसी के आधार पर इसके साथी के साथ इसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था। जेल से बेल पे छूटने के बाद ये अपने गांव में जाने की बजाय बंबई चला गया था। वहां पे कुछ लोगों के संपर्क में आया, उसी संपर्क में आने के बाद इलाज कराने के बहाने बहराइच के एक व्यक्ति से इसकी दोस्ती हुई, उसी के माध्यम से ये बहराइच आया और यहां अपना नाम चेंज करके रह रहा था। फर्जी इसने आईडी बनाई थी और उसी आईडी के आधार पर समिति बना के ये चंदा इकट्ठा कर रहा था। पुलिस ने इस संबंध में इसके ऊपर 420/67 का मुकदमा वादी की तहरीर पर पंजीकृत किया गया है, इसको अरेस्ट किया गया है, इसके पास से सभी जो कूट रचित डॉक्यूमेंट्स हैं उसको बरामद किया गया है। इसके अतिरिक्त इसकी जो गतिविधियां पिछले कुछ सालों में रही है उस संबंध में टीमें बनाई गई हैं, उस गतिविधियों के बारे में जानकारी की जाएगी, सर्विलांस के माध्यम से भी इसकी गतिविधियों के बारे में जानकारी की जाएगी और किस प्रकार से इसके द्वारा कूट रचित डॉक्यूमेंट्स जो बनाए गए हैं उसके बारे में भी अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आने वाले दिनों में हम उनके द्वारा इसमें